बच्चों के पास कितने हड्डियां होती हैं, बोन्स? बच्चों के पास जितने आदमियों लोग के पास होती है, इससे माइक छीनो, इसको घर भेजो, बच्चों का ज्यादा होती है। अच्छा, आदमियों के पास कितनी होती है? 106। गलत जवाब। नहीं, आदमियों के पास होती है 206। एक कुछ बोलूं? और सुबह सुबह 207। ओके, सॉरी रवि, सॉरी। चलिए, अरे कोमल साहब भी आज बैठे हैं यहाँ। कोमल साहब आइए, आइए, आज आपको, आपने हमेशा हमसे पूछा, हम आपको सवाल पूछेंगे। आइए आइए, ऊपर आइए, वहीं से बोलेंगे। कोमल साहब, बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं। आपके बेटे का बर्थडे क्या है? 6 सितंबर। 6 सितंबर कौन सा साल? 94। यस। कौन सा दिन? दिन एज इन डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द, मतलब जिस दिन पैदा हुए थे। 6 सितंबर 1994 कौन सा दिन? मंडे। I think it was, can anybody check it? I think it was Tuesday. Can anybody go behind and check it? Check it. 6 September 1994. Was it a Tuesday or a Monday? He's checked it, it's Monday. Komal, you made a mistake. It is Tuesday. It is Tuesday, na? Tuesday? How did you know? Because they've written it here. मतलब मैं भी कोई होमवर्क करके नहीं आया था। अच्छा, मैंने मंडे इसलिए कहा था, मैंने बोला आपका होमवर्क कितना सही है, इसलिए। चलो ठीक है, फिर इसकी वजह से ना आपको मिलेगा ना मुझे। अरे वो कहाँ है? फरीदून कहाँ है? फरीदून, आपसे पूछते हैं, आपके डॉटर का बर्थडे क्या है? सर, 20th मार्च। 20th मार्च। सन? 2004। दिन? I don't know. बताना तो पड़ेगा बेटे। वेंसडे में भी। वेंसडे, कोई जा सकता है? 20th मार्च 2004 क्या था? 20th मार्च 2004 सैटरडे। फरीदून तू भी गया। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। ओके, ये एक लास्ट बचा हुआ है। एनीबडी एल्स? यस मैम, गिव द माइक। ओके मैम, यू से। मैम बट ये क्वेश्चन दूसरा है। अभी आपने उसका आंसर नहीं दिया था। नहीं, वो हो गया मैम, खत्म भी हो गया। नहीं, उसका आंसर नहीं हुआ था। छोड़िए, अभी मैं 300 तब तक, अब तक तो आपने गूगल भी कर लिया होगा। आई डोंट हैव माय फोन। ओके मैम, जस्ट टेल मी, एक खासियत होती है एक बच्चों में, एक खासियत होती है जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, वो रोने में उनकी खासियत क्या है? एज इन, वो जब रोते हैं तो उसमें एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है? उनके आंसू नहीं आते हैं। ये कहां से सुना? कहीं से नहीं सर, मेरी छोटी बहन है, मुझसे 10 साल छोटी, तो मैं वही, जब मैंने उसको पहली बार देखा, मुझे लगा रो रही है पर इसके आंसू नहीं आ रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। एब्सोल्युटली राइट, बेबीज क्राई विदाउट टियर्स। वेरी नाइस।
गाड़ी को पूछ लीजिए ना। राइट राइट करीना जी राइट 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 ग्रुप फोटो बस आ गया सर बस 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 ए पड़े 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 ना थोड़ा ऑल ऑफ यू ऑन योर राइट ऑन योर राइट राइट ऑल ऑफ यू राइट राइट अक्षय सर राइट 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 ऑल ऑफ यू राइट राइट में ऑल ऑफ यू करीना करीना जी राइट थोड़ा हाथ अंदर राइट ला बड़ा राइट ला करीना राइट 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 क्या राइट राइट सर यार राइट से स्टार्ट करिए क्या राइट राइट नहीं चालू करा सर राइट नहीं अक्षय सर राइट 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 अक्षय सर राइट करीना जी राइट चलो अक्षय सर चलो इकड़े राइट नहीं चालू करा सर सर राइट मध्ये सर राइट ला बघा ना सर इधर एक सेल्फी Hi and good afternoon. We're really sorry about the delay, but as you know, sometimes logistics take some time. But thank you so much. I'd like to thank everybody on behalf of Cape of Good Films and Dharma and Z, all of us. Thank you so much for coming in such large numbers and giving us your love, support, and everything that you always come with. Good News is a tremendously special film for all of us. The journey began when the writer Jyoti Kapoor came with this idea. And she developed it beautifully. It was developed by her and our team, with Somen Mishra heading the project team that we have at Dharma. And of course,
The cast immediately came on board. Very gracious, wonderful cast. This is our third offering with Akshay. And it's been a tremendous experience working with him. And he truly is a bona fide superstar, but also a great guy to work with and a great guy to see at the movies. Kareena, as you know, is ingrained in Dharma Productions, and she almost is like the brand ambassador of it. At least she likes to say she is. But she is truly in my heart. Kiara, somebody I believe is like my girl, and I feel like I gave birth to her for some reason. Like, I feel like she's really like the girl at Dharma that we all love. Diljit, we all love at the movies. Such a fantastic actor. So talented and always on point with his sense of humor, his timing, and his just genuineness that he brings on celluloid and everywhere else. Thank you. I have to say that this is the 16th debut director that we actually at Dharma have introduced. Which we're very happy and proud to say. We were tabulating it just this morning, and it's been a very exciting experience actually to introduce all these directors. Raj Mehta is our 16th debut director at Dharma Productions. Raj was actually, and I'm going to talk about that a little later. Raj has worked in Dharma Productions for very many years with Shashank Khaitan, with Shakun Batra, but actually it was Shashank who I believe has a true mentor in him, who truly, truly pushed and paved the way for Raj and various other directors to actually find their feet at Dharma and make movies for us. And we're very grateful to Shashank for everything that he does, his large heart, and the fact that he has a solid mentor in him. So Raj Mehta, congratulations. I'm really, really proud and happy with the way the film has shaped up, and we're so excited to share the film with you. So as I said, on behalf of Akshay and Zee Studios and Dharma, we thank you for being here today, and we can't wait to share the first look, the trailer of our film Good News with you. And remember the spelling when you hashtag is N-E-W-W-Z. That's our spelling. Why that is, we'll talk about later. But this is our hashtag. The film releases on the 27th of December at a theater very close to you. So I hope you enjoy it and rush to it and have a super, and give us a super year end. And the year ends with a big bang for all of us. Thank you so much, guys. And here's the trailer of Good News. Share it with everyone. And now we'd like to actually invite key members of the cast and crew that have made this film special and possible for all of us. I'd like to begin by calling the producers of the film on stage. I'd like to begin by calling the CEO of Dharma Productions, who's also producer on the film, Apurva Mehta. Sharik Patel. Good News, directed by debutant Raj, is really Dharma's first attempt at meaningful comedy. We began the year with Akshay sir, with Kesari, and we're ending the year with him, so we're very, very thrilled. And of course, we have the gorgeous Kareena Kapoor, Kiara Advani, and Diljit Dosanjh. I think as you guys have seen the trailer, it's a very, very funny film, and you have a cast with impeccable humor, you know. So I think we've all enjoyed making this film, and we hope all of you enjoy seeing it as much on 27th of December. Thank you, Apurva. Sharik. Sharik, you've been a collaborator of ours for very many films, and we've had a in the recent past, and hopefully paving the way for a fantastic future. Your thoughts today on this very special launch? Yeah, you were counting down numbers. You've run 16 directorial debuts. This is our third collaboration with you, and third also with Akshay sir. We had done Rustam earlier, and then Kesari, and now Good News. We're extremely happy and proud for this association with both the parties and the film. We've seen the movie. We've seen it's fantastic. It's a great. It's a fantastic, meaningful comedy, as Apurva said. And we are looking forward that the benchmark we had earlier set, you know, in Kesari gets, you know, was a new in terms of collections for Akshay sir. We're hoping that and that got beaten in his last few releases, and we're hoping that this takes it even further. So we're hoping for a great, successful collaboration on this one also. Well, as they say, keeping the title in mind, aapke mumi ghi shakar. Shashank, thank you so much for actually curating talent, for mentoring talent, and for being the person you are. I'm sure it's a proud moment for you to actually bring one of your boys on the forefront. How does it feel? It feels absolutely amazing. I think I'm very emotional, more emotional than I was when I was making my own movies. And Raj and I go back a very, very long way, right from Humpty Sharma. In fact, he was one of the first people I told that I've got this movie. He was the first... one of my first team members on board, and I'm really, really just happy that I can be a part of his movie. Really happy. Thank you so much. And speaking of Raj, I think it's time to call the director and the captain of the ship on stage. Raj Mehta, ladies and gentlemen. Woo-hoo! Woo-hoo!
Raj, congratulations. I'm sure it's an overwhelming feeling to have your first film with such major motion picture movie stars in it. I know the journey, like I said, began with Jyoti Kapoor's script, screenplay, and then, of course, it went on to kind of take your own syntax. Somen Mishra, who heads the project development, was a big part of the development. The journey was interesting, and I'm sure the execution has made you very happy. What are your thoughts today? First of all, I'm just fortunate to be able to make a film for Dharma Productions, have a mentor like Shashank, and on top of that, to have a cast like this. I just feel I'm fortunate, but also the journey has just been, it's been a dream. I was really nervous to begin with, which I discussed with you initially, to have a cast like this and execute a subject like this. But I think this just made it so easy for me, and it was just a dream. I think it's a dream debut for any director to be able to direct a cast like that in the first one and to be launched by a production house like Dharma. So no, thank you for that. No, that is right. And I think, like you said, when you spoke about the dream cast, I think they truly are the heartbeat and they make the narrative really come alive. So I think it's time to kind of bring them on stage and celebrate the film along with them, the four forces of our film. I'd like to begin by calling the junior most on stage, which is Kiara Advani, the gorgeous Kiara Advani, who's had a great year this year. I'd like to invite on stage Diljit Dosanjh, the very, very talented Diljit Dosanjh. Diljit Dosanjh, ladies and gentlemen. Okay, the ultimate diva of the movies, my personal favorite, and the eternal poo of everyone's existence. Please welcome none other than Kareena Kapoor Khan. Fresh from her outdoor in Chandigarh, as her poster launch begins our morning and the trailer takes it to a noon, you're having quite a day. And now, what do I say about like the mega superstar, the man with a golden heart, the one who contributes to the turnstiles and box office like no other force of Indian cinema has or will have? Please welcome Akshay Kumar. Yeah. All right. That's all of us, and we're going to, I think, instead of the regular process of actually making us sit and feel comfortable, we'd rather be uncomfortable and face your questions comfortably. So we're going to open the Q&A up to everybody out there, ladies and gentlemen. And it's all of us here, and I'm going to moderate it, and we're going to try and make sure that the questions are related to the process, the journey, and the film itself. So thank you. Team Good News, this is Simran Singh here from First Post. First of all, congratulations for the hilarious trailer. Yeah. Anji, on the left. First of all, congratulations to all of you guys. Bahut hi mazedar aur dhamakedar trailer hai. Mera sawal pehle Karan ji se hai. सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज शेयर दैट कहानी के पीछे आप कहां के पीछे सर यहां अच्छा आप यहां हां जी क्या कहा था आपने सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है दैट डबल डब्ल्यू सो प्लीज उसके बारे में बताइए देखिए बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में क्रिएटिव दुनिया में तो मेरा एक 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 सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो ज़्यादा नहीं चली तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूँ एंड आई जस्ट स्टेइंग विद मी फॉर नो रीज़न तो आई गेव अप ऑन दैट सुपरस्टिशन मेनी इयर्स आफ्टर दैट आई इनकाउंटर राज मेहता हु इज़ पैरानॉइड अबाउट एवरीथिंग सो एंड इट वॉज नो यू आर ब्लेमिंग अक्षय It's you, huh? Okay. All right. So he, along with Azim Dayani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said A Good News is not incorrect English. You don't have A Good News, it's Good News. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man. And I felt that कल को कुछ गलत हो गया दे विल ब्लेम इट ऑन मी एंड द स्पेलिंग सो आई सेड प्लीज चेंज इट एंड दे डिसाइडेड टू कॉल इट एनी डब्ल्यू डब्ल्यू जेड पर्सनली इट्स रादर रिडिक्यूलस बट इट्स एक्चुअली एवरीवन हैज लर्न टू एक्सेप्ट इट एंड रियली इनवेलप इट सो वेल डन राज थैंक यू एंड इन फैक्ट वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू चेंज द स्पेलिंग ऑफ ऑल आवर फिल्म्स एंड इफ दिस फिल्म डज वेल देन यू विल बी द स्पेल मैन एट धर्मा ओके अक्षय पाजी करीना एंड कियारा आपसे सवाल है कि दिस इज द इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू हैव अ स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी विद दैट कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला
script, matlab ye jo film hai. So what was your first reaction when you got the script? Matlab Diljit Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff, but what was your first reaction? इसलिए बोलता हूँ वो बोल दे किसको पूछ रहा है आप तीनों से हाँ जी ओके okay, मुझे बहुत अच्छा लगा था आई स्टिल रिमेम्बर कारण ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे तो ये मेरे घर पे आए हुए थे इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन डेढ़ पौने दो घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है फिर मैं बोला और क्या बना रहा है फिर कहते एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके बोला उसकी कहानी क्या है फिर उन्होंने करीबन दो मिनट सुनाई वो कहानी मैं बोला वो डेढ़ घंटे वाली भूल जाते हैं ये बनाते हैं तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर और मैं सच बताऊँ तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी ये कहीं हुआ भी है और उसको ले के इसको पिरोया गया है करीना जी एंड कियारा योर इनपुट्स When actually Raj narrated the film, I personally thought I was perfect for the part. that's the truth. I thought that I really wanted to, you know, do the film. It was funny. It was I couldn't stop laughing, and I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust beyond, and I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was, but I said, yeah, I want to trust Raj, and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board, so I knew all three of them were on board, and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them. This is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me. And yeah, I mean, for me, I'm like Karan sir said, I'm the junior most here, and there's just so much to learn. It's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. thank you. Drop it, babe. Diljit actually was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration and Raj narrated. क्या लगा आपको दिलजीत? मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे शायद लेंगे नहीं फिल्म में तो मैं सुनने के लिए चला गया था क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म तो उसमें मैं नहीं था बट अगर आप ये अच्छी अगर वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी खुशी ये नहीं कह पाते वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ वहां बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म थी लेकिन हां थैंक यू सर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूँगी देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि एक दो मिनट या पाँच मिनट या पंद्रह मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूँगा तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा ऑफकोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माई टू बेबीज व्हाट दैट फेल्ट लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है तो आई विल फेस की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर मुझे लगता है कि हमेशा केस के बाद कुछ बुरा ही होने वाला है आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट लेकिन गुड न्यूज का मां बहुत सारे हो सकते हैं मुझे तो गुड न्यूज ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे सबसे बड़ा न्यूज वो है और वो गुड न्यूज अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया करीना आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज आई कांट बीट दैट आंसर सो आई डोंट थिंक वी शुड आंसर दिस क्वेश्चन और अक्षय आपके लिए मेरे लिए मैं तो बैड न्यूज में भी गुड न्यूज ढूंढता हूं सो मैं एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ तो मुझे कुछ भी चीज़ आप दे दो मैं उसके अंदर एक गुड न्यूज़ निकाल के छोड़ूंगा एंड कियारा आपके लिए बट रियली नोबडी कैन बी दिस आंसर नाउ राइट नाउ आई थिंक एवरी टाइम आई साइन अ गुड फिल्म दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट्स लाइक ग्रेट ओह माय गॉड गुड न्यूज़ दिलजीत आपके लिए फिलहाल तो ये फिल्म जी एंड करण एक सवाल मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी कि ये सही बात है कि सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही एक मतलब पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए
तो क्या इसके पीछे था, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी तो कि एक फील गुड वाली मूवी दें या और कुछ आप सोच रहे थे? आई वॉज एक्चुअली, मैं जैसे अक्षय ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे, मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे, तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शंस में ऐसी एक फिल्म बनाए दैट विल बी अ सोशल कॉमेडी जो रेलेवेंट भी हो, इमोशनल भी हो, हंसाए भी, रुलाए भी, और एक यू नो एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में। आज तक एक्चुअली धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है, जैसे ब्रांडेड ऋषि मुखर्जी। तो जब मैं अक्षय के घर गया तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म लेके गया बिकॉज ही इज अ मेगा मूवी स्टार, एंड आई जस्ट फील के अक्षय में एक खासियत है, ही सर्चेस फॉर कॉन्टेंट, वो कभी स्केल नहीं देखते, वो कभी डायरेक्टर, एंड आई फील दैट ही इज वन एक्टर हु इज ऑलवेज सपोर्टेड फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स, एंड आई थिंक दैट्स वेरी रेयर फॉर अ मूवी स्टार एंड अ मेगा मूवी स्टार इन इंडिया टू डू। He is हमारा 16th है, अक्षय का 23rd डेब्यू डायरेक्टर है, तो आई थिंक ही इज द ओनली सुपरस्टार इन इंडिया आई वुड से दैट हैज वर्क्ड विद सो मेनी डेब्यू डायरेक्टर्स। वो कभी नहीं आई थिंक पूछते कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है, जो आई बीन टू मेनी एक्टर्स नरेटेड मेनी फिल्म्स, हमेशा ये सवाल उठता है कि डायरेक्टर कौन है, उसकी काबिलियत क्या है। आई थिंक अक्षय वाइब को सस करता है, तो राज से मुलाकात हुई, कहानी सुना, एंड विद इन अ डे द फिल्म वॉज लॉक्ड एंड साइंड एंड रेडी टू गो। तो आई फील कि मैं ये जब फिल्म बनाना चाहता था तो मेरा जो ख्याल था कि आई वुड एक्चुअली मेक एन इंटीमेट फिल्म, अक्षय ने उस फिल्म को स्केल दे दिया, एंड आई वुड एक्चुअली थिंक दैट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर अ सुपरस्टार टू डू, टू जस्ट लुक फॉर कंटेंट एंड नॉट वरी अबाउट इट्स स्केल एंड इट्स यू नो इट्स ऑपुलेंस। तो आई थिंक दैट वाज माय थॉट। अक्षय सर, दिस इज फरीदून ऑन योर राइट सर, ऑन योर राइट। Hi sir. So congratulations, the promo is outstanding, very very funny, and I think you're having an amazing year, and I think this will be perfect icing on the cake as far as this year is concerned. The writer of the film is Jyoti Kapoor. She gave the idea of Badhai Ho, which was also had some sort of pregnancy associated with that, so she has a fetish for that maybe. My question fetish? To you is both the films I think they are on the similar lines, and my question to you is that in your phenomenal career sir, what has been the role of writers in shaping up your career? It's a very, very big role. It's a very, very big role. I think writers are the most important people. मैं अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा director से भी बड़े writers होते हैं मेरे हिसाब से। खत्म हो गया। I think it's a tremendous, I think, and I also feel कि अभी cinema जो है digital की तरह writers का medium बन चुका है, and I think finally the fraternity is empowering writers. I think that's great because they're empowered, they're doing such strong work and creating such amazing content. Actually, बस अगर writer ना हो तो actors भी कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने भी बड़े बड़े actors ले लो आप, उनका कोई फायदा नहीं है अगर writer सही नहीं बैठे, अगर सही कहानी नहीं आए, सही लिखाई ना हो, तो मेरे हिसाब से writers की बहुत बड़ी अहमियत है। सर आपके राइट में हाय, दिस सोहेल ऑन द लेफ्ट। कंग्रेचुलेशंस, ट्रेलर सुपर, बहुत मजा आया हमको। ये गूफ ऑफ के बारे में है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने लाइफ में कभी इस तरह की कोई गूफ ऑफ हुई है जहां पर मेरे लिए अक्षय से खास करके, पहले वक्त हम बहुत सी शूटिंग इस स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का, इसी तरह के कोई गूफ ऑफ हुआ हो वे यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग, इवन करीना करण एंड एवरीवन, लाइक लाइफ में ऐसा कोई मेमोरेबल गूफ ऑफ हो? अभी सोचना पड़ेगा कहाँ कौन से गूफ अप के बारे में बात करें। करण आपको याद हो, whoever क्या है कि जो गूफ अप्स है मैं इस मंच पे बता नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे हुए हैं इस मंच के एसोसिएटेड बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन एक्चुअली उनको बताना आई थिंक वो लाजमी नहीं होगा, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। इट माइट नॉट बी प्रिंटेबल गूफ अप्स। करीना आई थिंक करण हैज आंसर्ड फनी फनी समथिंग Any goof ups, Bebo? Quite a few. Actually, यही एक फिल्म सिटी और फिल्मालय के बीच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी फिल्म सिटी की जगह फिल्मालय पहुंच जाते हैं, यही एक कमाल का मतलब सोच सकता हूँ। और कोई है आपके पास कोई गूफ अप? नहीं, वो क्या है, फोन मैसेजेस पे बहुत सारे होते हैं कभी कभी, यू नो, गलत मैसेजेस, गलत इंसान को, जो पहला नाम वही हो, कभी कभी वो हो जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैंने बहुत सारे ऐसे गलत लोगों को सही मैसेज भेजा है। दिलजीत आप कुछ कहना चाहोगे अगर आपको कुछ ख्याल आता हो? या नहीं सर, मुझे करण सर आपके राइट में है, आपके राइट जी, राइट में दाहिनी तरफ जी जी अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर। हेलो अमित। हाय करण सर, मतलब दो तीन सवाल थे मेरे, एक तो ये कि पूरा इंटरव्यू ले लेंगे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि आपने कहा कि ये एक मीनिंगफुल कॉमेडी है, इस पे स्ट्रेस किया है, तो मतलब धर्मा किन तरह के चेंजेस के साथ आ रहे हैं मतलब अपनी फिल्मों के पास?
देखिए चेंजेस तो मैं एक्चुअली काफ़ी बार जस्टिफाई भी कर चुका हूँ कि धर्मा में हम अलग किस्म की फिल्में, लेकिन कोई मानता नहीं मेरी बात. तो मैं हर साल इसी मंच पे खड़े कहता हूँ कि हम अलग फिल्में बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम वही घिसे पिटे फिल्म बनाते रहते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली आई एम डूम्ड बाई रेपूटेशन. जब हमने कहा मीनिंगफुल, ये इसीलिए है क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव स्टोरी. हाँ, बहरहाल हमने ह्यूमर द्वारा इस फिल्म को एक्चुअली पेश किया है, लेकिन अगर आप पिक्चर देखोगे तो परिवार समेत आप देख पाओगे और कुछ अच्छा आप एक्चुअली you can actually understand a lot of emotions of sacrifice, entitlement, aur jo parental emotions hote hain, aur jis tarah ke how we feel that eventually a child is truly a gift from the universe to us, and it doesn't matter which direction it came from. And I feel personally ye film mere liye bahut hi it's very close to my heart, because as you know that I've had children through an unusual path, and I feel when I saw Good News I was very, very teary at the end. मैं बहुत रोया एंड में, क्योंकि I just felt कि the film connected to the parent in me. क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, they are nearly 3 years old, and I understood the last act of this film so much. I related to it. It resonated with me. क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, लेकिन emotions बहुत similar थे. तो for me it was a very personal film and will always remain. और करण ने जो मीनिंगफुल बोला था, ये दैट वाज अ टॉन्ट टू मी आफ्टर हाउसफुल. या नो, आई लव द वर्ड हाउसफुल. अक्षय, दैट्स व्हाट वी ऑल प्रे फॉर. करण सर, एक सवाल केसरी को लेकर था. केसरी के या हाँ, कि केसरी का जो मतलब शूट चल रहा था जब, मतलब वाई में, तो वहां पर सेट जला था और पुलिस की तरफ से हम लोगों को पता लगा था 18 करोड़ का नुकसान हुआ था. तो वो मतलब इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वो फिर आया, मतलब पेमेंट. आई एम नॉट श्योर कि ये वो प्लेटफॉर्म है कि पहले जो जो अमाउंट आपने कहा है वो कम है, उससे कहीं ज़्यादा है. लेकिन आई थिंक वो लॉजिस्टिक्स को इस मंच पे बात करना वो आई वोंट बी एक्यूरेट एंड वोंट बी करेक्ट. सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न दो. हाय करण, करण, अक्षय, करीना, कियारा एंड दलजीत जी. हेलो, सरिता सिंह हियर. सबसे पहले तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और नई कहानी लग रही है, और कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में. काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी फिल्म. पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग, इस तरह की गुड न्यूज़ आप लोगों की लाइफ में हो चुकी है, पर जिस तरह की ये गुड न्यूज़ है, अगर इमेजिन करें कि ऐसी गुड न्यूज़ आप पे घर हो जाए तो कैसे एक्सप्रेशन होंगे, कैसे कन्फ्यूजन होंगे? देखिए, ये आप फिल्म पर देखिए ना, हमारे घर पर लाने की कोशिश करें. मैं ये भी चाहूँगा कि आपके भी घर पर ना हो ऐसा कुछ, तो ये बेहतर है कि ये फिल्म पर्दे पर रहे. हाँ, ये एक दो ऐसे किस्से हुए हैं तो उसी को लेके हमने बनाया. बस ऐसे हम विश नहीं करते कि किसी के साथ हुई. हेलो करण सर, on your right, on your right. Before you ask me the question, I'm going to say that's the last two questions and we have something special coming from Akshay right after that. On your right, sir. This is right. Sorry, I'm blank. Yeah, where no are problem. You? I'm direction dyslexic. Yeah. This is Sakshi from E24. Mera sawal aapse ye hai ki recently, abhi kuch saalon mein female protagonists ko kafi mauke mil rahe hain achhi scripts karne ko, achhi films karne ko. Lekin kahin na kahin abhi bhi actresses ye complain karti hain ki agar unke level ka bhi koi star ho to they are paid peanuts. So as a production house, what is Dharma doing to change that? Because you have definitely brought scripts which have women in stronger roles. But what are you doing in this aspect? Thank you. I have to say that, you know, we at Dharma Productions have always maintained the ethos of actually making sure that everyone, and I include men and women and artists and technicians and everyone, gets paid solidly for their craft, their art, their ability, their worth. All of us are here for a blend of commerce and art. None of us are here just for one of them, for both. And it's, of course, something that I endorse very, very strongly. When it comes to female-led films, we've made sure, and we've always made sure, that actually there has never been a disparity at our end. There is now profit share given. There is even sometimes in the near future, you'll see a producer credit given to female-led films, where if they dominate the film, they lead the film, then they must have a humongous part of the pie. And you will hear announcements in the future where women-led films that will be made by us at Dharma Productions will have strong producer credits by them. Profit shares, back ends, all that is being worked out. There is and there will not be a disparity with our company, and I see that happening in the film fraternity as well. Hi, Akshay here. At the back, at your right. We have just one last question, sir. You already asked. I'm really sorry. We just have one last question. Yes, I do have a question. First of all, amazing trailer, all of you. So congratulations and kudos for that. My question is to Akshay. Houseful, आपकी houseful गई है, and जो latest आपका music video है फिलहाल.
that has gained immense popularity. Congratulations for that. आपसे ये जानना चाहूँगी अक्षय कि क्या आगे भी आपको म्यूजिक वीडियोस में देख पाएंगे और क्यों इतने साल आपको लगे कुछ डिफरेंट या कुछ एक्सपेरिमेंट करने में लाइक दिस? इतने साल क्यों लगे? जी अच्छा लगा गाना ये और मन किया तो कर लिया, ऐसा कुछ खास ये कोई वजह नहीं है. ऐसा नहीं है कि मेरे करियर में मैंने करीबन 140 फिल्में कर ली हैं, 700 गाने हैं मेरे पास जी. और ऐसा नहीं था कि 701 करने के चक्कर में मैंने वो किया लेकिन बस मन किया तो इसलिए कर लिया मैम. और अगर आगे भी कुछ ऐसा कोई गाना मिले जिस पे मन करे तो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. लवली, थैंक यू. कौन सी मिठाई बांटी गई आपको? मिठाई की, सबको मिठाई दी. अच्छा बाहर मिठाई मिली है? हाँ. अच्छा, अच्छा. ये फिलहाल आपकी तरफ से? फिलहाल धर्मा जी की तरफ से. नहीं, थैंक यू सो मच गाइस. एंड अक्षय एक्चुअली हियर. हाय, दिस इज बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. अक्षय हियर एट द बैक. हाय अक्षय एंड राज, जस्ट वन क्वेश्चन ईच टू यू. Akshay, like how Karan rightly said that, you know, at Dharma, they will try for pay parity for all male and female stars. As a male superstar, because you hold so much control for the position that you have, do you also make sure that the female co-stars that you're working with are paid equal? Yeah, I'm doing films with Dharma a lot. I'm doing other films with a lot of other corporates. So they finalize everything and I'm very happy that what Karan said just now, and he's absolutely right. That's the way it should be, and ahead also in future also it'll be the same way. Right, and also to Raj, as a first-time director, when you have two big superstars in Kareena Kapoor and Akshay Kumar, how do you direct them? What's the trick, and how was your first few days with them? I honestly don't think there's a difference between directing big super, especially with these guys. I had ideas about how it would be and what changes I'd need to do and how I'd be careful and all of that. But surprisingly and thankfully, they were really chilled out. It was just like working with any other actor. There were no, like there are things you expect when you work with superstars, but there's none of that. Like zero issues or tantrums or egos or nothing. We actually, I mean, it sounds cliched, but I was discussing with Akshay sir yesterday only. Just had a ball of a time. It was, and that I feel like shows on screen as well. So it was great. It was an absolute pleasure. And as I said, I'm, you know, fortunate to have these actors in my first film. I'm sure we'll meet with the expectations. And on that note, ladies and gentlemen, I request the producers and the actors, besides Akshay, to stay on stage. He has something special, and even I'm going to take your leave and give the mic to you. Thank you, Akshay. The stage is all yours. Okay, so आज हम मीडिया के साथ आप सभी लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहेंगे. Okay, और जो जो सही जवाब देगा उसे एक करण जौहर स्पेशल हैम्पर जो होता है वो दिया जाएगा. तो वो हैम्पर कहाँ है? तो वहाँ छुपा के रखा है. आओ ये देखिए, करण जौहर स्पेशल हैम्पर. तो ये है. ओके, तो सबसे पहले किसी को चुना जाएगा जो जवाब देना चाहेगा. सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये जितने भी कैमरा लेके हाथ में हैं, हाँ फोटोग्राफर्स, कौन जवाब देगा? अरे जवाब देना नहीं आता तो फिर ठीक है, मत दे. तू देगा जवाब? नहीं, सवाल पहले खड़ा हो. हाँ इसको क्या, इसको वो देना माइक. पहले बता नाम क्या तेरा? माइक पे बताना बेटे. रोहित. रोहित कहाँ से हो? मुंबई. अच्छा रोहित, कितने सालों से काम कर रहे हो? अभी तो 2 साल हो गए. 2 साल, वेरी गुड. शादीशुदा हो? नहीं, अनमैरिड. अनमैरिड हो?
ठीक है चलो, लेकिन बच्चों के बारे में जानते तो होगे, बच्चों के साथ खेला वेला तो होगा? हाँ ठीक है, बताओ कि जो पेट में जब बच्चा होता है तो वो कौन से महीने से लात मारना शुरू करता है माँ के पेट में? कोई नहीं बोलेगा, कौन से महीने में? पांच। पांच रॉन्ग करीना, व्हाट इज द आंसर? आफ्टर सिक्स मंथ्स? नो, इट इज बिटवीन थ्री एंड सिक्स मंथ्स। इट इज बिटवीन थ्री एंड सिक्स मंथ्स। जोरदार तालियां और सही जवाब। आओ बेटे, क्या करेगा इसका? हाँ, घर पे जाए, इधर भाग के, भाग के। अच्छा कोई बात नहीं, अरे साइड में रख ले, सबके ऊपर से ले जाएगा। ओके पाजी, आओ सामने आओ। नाम बताओ। सिमरन सिंह। सिमरन सिंह, सिमरन सिंह। हाँ जी। हिंदी के बच्चों को सुलाने के लिए तीन नर्सरी राइम सुनाओ। मछली जल की रानी है। वेरी गुड। दूसरा कोई नहीं बोलेगा? लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। अच्छा और एक मिनट। तीसरा? हाँ जी, एक मिनट। आरी निंदिया कुवारा बाप दा जेड़ा गाना है। मैं बताऊं? ना ना, आरे निंदिया, आर इंडिया, आरे निंदिया आ ले चल तू मुझे कहीं उड़न खटोले में दूर 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 कहीं, कुवारा बाप। अच्छा चलो ठीक है, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन भाई, वेरी वेल डन। चलो भाई, ओ भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब कौन जवाब देगा? रवि खड़ा हो जाए यार, सब लोग कह रहे हैं कौन है रवि। हाँ रवि, लोकर ये बाहर है, चले कैमरा चम आगे उभर आऊ नको, लोकर ये आणि धावत ये काय, घरी जायचं आम्हाला सगळ्यांना। रवि ये माइक कौन ले गया? अरे माइक दे भाई। बच्चों के पास कितने हड्डियां होती हैं, बोन्स? बच्चों के पास जितने आदमियों लोग के पास होती है, इससे माइक छीनो, इसको घर भेजो। बच्चों का ज्यादा होती है। अच्छा आदमियों के पास कितनी होती है? 106। गलत जवाब। नहीं, आदमियों के पास होती है 206। एक कुछ बोलूं? और सुबह सुबह 207। ओके सॉरी रवि, सॉरी। चलिए, अरे कोमल साहब भी आज बैठे हैं यहाँ। कोमल साहब आइए आइए, आज आपको, आपने हमेशा हमसे पूछा, हम आपको सवाल पूछेंगे। आइए आइए, ऊपर आइए, वहीं से बोलोगे कोमल साहब। बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, आपके बेटे का बर्थडे क्या है? 6 सितंबर। 6 सितंबर कौन सा साल? 94। यस। कौन सा दिन? दिन एज इन डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द, मतलब जिस दिन पैदा हुए थे। 6 सितंबर 1994 कौन सा दिन? मंडे। आई थिंक इट वॉज, कैन एनीबडी चेक इट? आई थिंक इट वॉज ट्यूजडे। कैन एनीबडी गो बिहाइंड एंड चेक इट? Check it. 6 September 1994. Was it a Tuesday or a Monday? She's checked it. It's Monday. Come on, you made a mistake.
You made a mistake. It is Tuesday. It is Tuesday, na? Tuesday? How did you know? Because they've written it here. मतलब मैं भी कोई होमवर्क करके नहीं आया था. अच्छा मैंने मंडे इसलिए कहा था, मैंने बोला आपका होमवर्क कितना सही है इसलिए. चलो ठीक है, फिर इसकी वजह से ना आपको मिलेगा ना मुझे. अरे वो कहाँ है? फरीदून कहाँ है? फरीदून आपसे पूछते हैं, आपके डॉटर का बर्थडे क्या है? सर 20th मार्च. 20th मार्च. सन 2004. दिन आई डोंट नो, आई डोंट नो. बताना तो पड़ेगा बेटे. वेंसडे, वेंसडे में भी. वेंसडे कोई जा सकता है? 20th मार्च 2004 क्या था? 20th मार्च 2004 सैटरडे. फरीदून तू भी गया. थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम. ओके, ये एक लास्ट बचा हुआ है. Anybody else? Yes, ma'am. Give her the mic. Okay, ma'am. You say. 300 posts when they are born and as we grow up, it becomes 206. Ma'am, but this question is different. अभी आपने उसका answer नहीं दिया था. नहीं नहीं वो हो गया ma'am, खत्म भी हो गया. नहीं उसका answer नहीं हुआ था. छोड़िए अभी मैं. तब 300 posts. तब तक अब तक तो आपने Google भी कर लिया होगा. I don't have my phone. Okay, ma'am. Just tell me, एक खासियत होती है एक बच्चों में, एक खासियत होती है जो newborn baby होती है. वो रोने में उनकी खासियत क्या है? As in? वो जब रोते हैं तो उसमें एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है? उनके आंसू नहीं आते हैं. ये कहां से सुना? कहीं से नहीं सर, मेरी छोटी बहन है मुझसे 10 साल छोटी, तो मैं वही जब मैंने उसको पहली बार देखा मुझे लगा रो रही पर इसके आंसू नहीं आ रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई. एब्सोल्युटली राइट, बेबीज क्राई विदाउट टियर्स. वेरी नाइस. December 2000.
19. Picture आ रही है. Good news. Thank you. We'll be right back.
मैम सर चले दादा साइड लाओ चलो जाने दो ना वीडियो भी है क्या हां वीडियो भी है गुड न्यूज़ हमारा बैकअप सर वी वॉच योर रैप अप पार्टी इतना हट ना मागे राजा राजा हट राजा हट राजा हट दादा हटो दादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डिफरेंट भी है इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई रियली फेल नाइस सीइंग दिस गूफ अप यू नो दिस माइट हैपन समटाइम इन रियलिटी ऑल्सो जस्ट बिकॉज अ नेम गूफ अप सो मच ऑफ हिस्ट्री हैज क्रिएटेड यू नो गुड न्यूज ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त लगा एक्चुअली इसके जो स्टोरी है एक्चुअली समथिंग वेरी यूनिक जो आपने शायद कभी पहले कोई फिल्मों में नहीं देखी एक गूफ अप टाइप की कॉमेडी है ट्रेलर तो मज़ेदार ही है क्योंकि करीना और अक्षय है अब दोनों अगर जहाँ पे हो तो हर चीज़ मज़ेदार होती है मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी बहुत ही बढ़िया सच अ नाइस कॉमिक मूवी और एक्चुअली वो कुछ मीनिंगफुल कॉमेडी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे होता भी है ज़िंदगी में उसका जो स्टोरी लाइन है वो देख के अच्छा लग रहा है एक्सचेंज स्पर्म और एग्स एक्सचेंज होता है तो एक अलग ही आपको ट्रेलर में ही मज़ा आता है तो फिल्म कैसी होगी कि कभी ऐसा हुआ तो क्या सिचुएशन होता है क्या वो पेरेंट्स का इमोशन होता है वो सब मेरे को देखना बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी जाके पूरी मूवी देख ली दो कपल के बारे में बताया बत्राज एंड बत्रा दोनों ही बत्रा है एक्चुअली कपल और उनमें वो जो गूफ अप होता है यू नो एक बच्चे को ले यू नो स्पर्म का जो स्पर्म के थ्रू से वो लोग क्लिनिक जाते हैं वहाँ पर दोनों के स्पर्म मिल जाते एक दूसरे में और वो जो गुफअप होता है तो वो जो एरर ऑफ कॉमेडी जो कह सकते हैं ना
वो इज समथिंग वेरी यू नो मजा आ गया देखकर. आई एम अ मूवी बफ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ और वापस धर्मा प्रोडक्शंस एंड अक्षय कुमार ऑल आर माय फेवरेट्स सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. और अक्षय कुमार इन दिनों आप देखते हो कि पिछले कुछ सालों से एक कुछ अलग हटकर ही कुछ फिल्में कर रहे हैं जिसका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है. बट एक अलग गुड न्यूज़ है जो अक्षय कुमार की कंटिन्यू एक कॉमेडी सीरीज आ रही है ये भी बहुत बहुत पसंद आएगी क्योंकि करीना आफ्टर कमबैक. धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर है तो डेफिनेटली फिल्म के यू नो स्टारकास्ट इज सच अ बिग स्टारकास्ट है. और इस तरह का जो एक जो कहानी है वो हमने नहीं देखी पहले आई फील लाइक यू नो तो ये एक बहुत एक प्लस पॉइंट रहेगा. और जैसे हमने भी मैंने भी करीना से बात की तो बोली कि बहुत मजा आएगी आप देखना मतलब रियली वी आल्सो लव्ड इट डूइंग इट एक्चुअली. डेफिनेटली डेफिनेटली करीना अक्षय करण जौहर एवरीवन कमिंग टुगेदर इट हैज टू बी कास्टिंग तो एकदम परफेक्ट है. लाइक अक्षय एंड करीना दे हैव अ वेरी नाइस दे आर कॉमेडियंस एंड आई नो दे डू वेरी परफेक्ट. पर वो दिलजीत दोसांझ को जो दिया था वो बहुत ही प्यारा था और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब बच्चा होता है तो और दिलजीत दोसांझ को बहुत छोटे से रूप में बताया दैट वाज वेरी फनी. अक्षय और करीना आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वापस आए सो वो पर्दे पे ही देखने के बाद लोग खड़े रहेंगे कि यार क्या गुड न्यूज होगी अंदर चलो तो देखते हैं. सो इट वॉज रियली नाइस एंड स्पेशली आई लाइक द अक्षय एंड करीनाज पेयर दे वर रियली अ गुड पेयर. थैंक यू. द स्टारकास्ट इज सो गुड और अब तक का जो भी देखा बहुत ही मजा आया बहुत मजा आया. The last one, when the baby is born to Kareena and it is the face of a Dosanjh, it was really amazing. एक डायलॉग बोला है कि पेट में प्रेगनेंसी के टाइम पे वो गुड़ गुड़ होते हैं कुछ छुटा फुटा तो ये हवाएं आती रहती है ये डायलॉग और एक अलग ही है फार्ट जो उसने बताया सो इट्स इज गुड वन. 100% लाइक क्रिसमस का टाइम है इट्स अ फेस्टिव सीजन लोगों को छुट्टियाँ होती है क्रिसमस की तो पिक्चर ज़रूर देखेंगे. और जैसे कि मैंने कहा कि गुड न्यूज़ आप ट्रेलर देखोगे ना आपको मन करेगा कि यार ये फिल्म देखनी है मतलब हमारे एक बकेट लिस्ट में होता ना यार ये फिल्म देखनी है तो डेफिनेटली ये ट्रेलर देखने के बाद आप बोल ही लोगे कि ये फिल्म मुझे देखनी है. रियली एक्साइटेड बिकॉज द कास्ट एंड क्रू हैज रियली मेड इट वेरी वेल स्पेशली द कॉन्सेप्ट वॉज रियली गुड एंड यू कैन से द कॉमेडी वॉज पुट अप रियली नाइसली अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर इट वॉज आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हैव सी विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स यू नो. मैं बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म जब दिसंबर में आ रही है तो उनके सामने सलमान की भी फिल्म आ रही है बट वो अपने आप में एक अलग है ये अपने आप में अलग है यहाँ पे भीड़ ज़्यादा आएगी क्योंकि एक अलग ही गुड न्यूज़ है. दबंग तो सबको पता है कि दबंग में क्या होने वाला है. हाँ ये एंटरटेनमेंट जाएगी अच्छी फिल्म जाएगी सही जाएगी. या इट्स गोइंग टू वर्क नाउडेज इवन कुछ भी स्टोरी चलता है तो ये स्टोरी तो एटलीस्ट इट इज़ लाइक अ रियल स्टोरी सो इट विल गो. बॉक्स ऑफिस तो जाएगी दोनों टक्कर है बॉक्स ऑफिस में क्योंकि इस बार दबंग 3 कुछ अलग ही हटके कर रही है ये भी अपने आप में एक अलग है अब देखते हैं आगे क्या है. हाँ लोगों को पसंद आएगा डेफिनेटली पसंद आएगा. आई एम वेटिंग फॉर 27 दिसंबर. आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4. आई विल गिव 4 स्टार. मैं 3 स्टार दूंगा. 4 स्टार दूंगा. अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर 4.5 तो 100% बनता ही बनता है. बच्चों के पास
कितने हड्डियां होती हैं, बोन्स? बच्चों के पास जितने आदमियों लोग के पास होती है, इससे माइक छीनो, इसको घर भेजो, बच्चों का ज्यादा होती है। अच्छा, आदमियों के पास कितनी होती है? 106। गलत जवाब। नहीं, आदमियों के पास होती है 206। एक कुछ बोलूं? और सुबह सुबह 207। ओके, सॉरी रवि, सॉरी। चलिए, अरे कोमल साहब भी आज बैठे हैं यहाँ। कोमल साहब आइए आइए, आज आपको, आपने हमेशा हमसे पूछा, हम आपको सवाल पूछेंगे। आइए आइए, ऊपर आइए, वहीं से बोलेंगे। कोमल साहब, बहुत सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं। आपके बेटे का बर्थडे क्या है? 6 सितंबर। 6 सितंबर कौन सा साल? 94। यस। कौन सा दिन? दिन एज इन डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द, मतलब जिस दिन पैदा हुए थे। 6 सितंबर 1994 कौन सा दिन? मंडे। I think it was, can anybody check it? I think it was Tuesday. Can anybody go behind and check it? Check it. 6 September 1994. Was it a Tuesday or a Monday? She's checked it, it's Monday. Komal, you made a mistake. You made a mistake. It is Tuesday. It is Tuesday now? Tuesday? How did you know? Because they've written it here. मतलब मैं भी कोई होमवर्क करके नहीं आया था। अच्छा, मैंने मंडे इसलिए कहा था, मैंने बोला आपका होमवर्क कितना सही है इसलिए। चलो ठीक है, फिर इसकी वजह से ना आपको मिलेगा ना मुझे। अरे वो कहाँ है? फरीदून कहाँ है? फरीदून, आपसे पूछते हैं, आपके डॉटर का बर्थडे क्या है? सर, 20th मार्च। 20th मार्च। सन? 2004। दिन? I don't know. बताना तो पड़ेगा बेटे। वेंसडे में भी। वेंसडे, कोई जा सकता है? 20th मार्च 2004 क्या था? 20th मार्च 2004 सैटरडे। फरीदून तू भी गया। थैंक यू सर, नो प्रॉब्लम। ओके, ये एक लास्ट बचा हुआ है। एनीबडी एल्स? यस मैम, गिव द माइक। ओके मैम, यू से। मैम, बट ये क्वेश्चन दूसरा है। अभी आपने उसका आंसर नहीं दिया था। नहीं नहीं, वो हो गया मैम, खत्म भी हो गया। नहीं, उसका आंसर नहीं हुआ था। छोड़िए, अभी मैं, वो 300 तब तक, अब तक तो आपने गूगल भी कर लिया होगा। आई डोंट हैव माय फोन। ओके मैम, जस्ट टेल मी, एक खासियत होती है, एक बच्चों में एक खासियत होती है जो न्यू बॉर्न बेबी होती है, वो रोने में उनकी खासियत क्या है? एज इन, वो जब रोते हैं तो उसमें एक खासियत होती है, वो खासियत क्या है? उनके आंसू नहीं आते हैं। ये कहां से सुना? कहीं से नहीं सर, मेरी छोटी बहन है, मुझसे 10 साल छोटी, तो मैं वही, जब मैंने उसको पहली बार देखा, मुझे लगा रो रही, पर इसके आंसू नहीं आ रहे हैं। So I think that's why. Absolutely right. Babies cry without tears. Very nice. है जो मिल जाएगा,
of December 2019. Picture आ रही है. Good news. Good news. Thank you. We'll be right back.
साइड में आ जाओ, ये साइड में राइट में आ जाओ, सब लोग राइट में आ जाओ। मैम सर, चलिए दादा साइड लो, चलो जाने दो ना, वीडियो भी है क्या? गुड न्यूज़ हमारा बैकअप। सर वी वॉच योर रैप अप पार्टी। दादा हटो, बाइक किधर है? अच्छे कौन कौन किया तुम लोग को एग्जाम में? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डिफरेंट भी है। इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई रियली फेल्ट नाइस सीइंग दिस गूफ अप, यू नो दिस माइट हैपन समटाइम इन रियलिटी ऑल्सो, जस्ट बिकॉज अ नेम गूफ अप सो मच ऑफ हिस्ट्री हैज क्रिएटेड, यू नो। गुड न्यूज ट्रेलर बहुत ही ज़बरदस्त लगा एक्चुअली। इसके जो स्टोरी है एक्चुअली समथिंग वेरी यूनिक जो आपने शायद कभी पहले कोई फिल्मों में नहीं देखी, एक गूफ अप टाइप की कॉमेडी है। ट्रेलर तो मज़ेदार ही है क्योंकि करीना और अक्षय है, अब दोनों अगर जहाँ पे हो तो हर चीज़ मज़ेदार होती है। मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया, सच अ नाइस कॉमिक मूवी और एक्चुअली वो कुछ मीनिंगफुल कॉमेडी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे होता भी है ज़िंदगी में। उसका जो स्टोरी लाइन है वो देख के अच्छा लग रहा है। एक्सचेंज स्पर्म और एग्स एक्सचेंज होता है तो एक अलग ही है, आपको ट्रेलर में ही मज़ा आता है, तो फिल्म कैसी होगी? कि कभी ऐसा हुआ तो क्या सिचुएशन होता है, क्या वो पेरेंट्स का इमोशन होता है, वो सब मेरे को देखना बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी जाके पूरी मूवी देख ली। दो कपल के बारे में बताया, बत्राज एंड बत्रा, दोनों ही बत्रा है एक्चुअली कपल, और उनमें वो जो गूफ अप होता है यू नो एक बच्चे को ले, यू नो स्पर्म का जो स्पर्म के थ्रू से वो लोग एक क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पर दोनों के स्पर्म मिल जाते एक दूसरे में, और वो जो गुफ अप होता है तो वो जो एरर ऑफ कॉमेडी जो कह सकते हैं ना,
वो इज समथिंग वेरी यू नो मजा आ गया देखकर। आई एम अ मूवी बफ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ और वापस धर्मा प्रोडक्शंस एंड अक्षय कुमार ऑल आर माय फेवरेट्स सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और अक्षय कुमार इन दिनों आप देखते हो कि पिछले कुछ सालों से एक कुछ अलग हटकर ही कुछ फिल्में कर रहे हैं जिसका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। बट एक अलग गुड न्यूज़ है जो अक्षय कुमार की कंटिन्यू कॉमेडी सीरीज आ रही है, ये भी बहुत बहुत पसंद आएगी क्योंकि करीना आफ्टर कमबैक। धर्मा प्रोडक्शन है, करण जौहर है, तो डेफिनेटली फिल्म के यू नो स्टारकास्ट इज सच अ बिग स्टारकास्ट है। और इस तरह का जो एक जो कहानी है वो हमने नहीं देखी पहले आई फील लाइक यू नो, तो ये एक बहुत एक प्लस पॉइंट रहेगा। और जैसे हमने भी मैंने भी करीना से बात की तो बोली बहुत मजा आएगी आप देखना, मतलब रियली वी ऑल्सो लव्ड इट डूइंग इट एक्चुअली। डेफिनेटली डेफिनेटली करीना, अक्षय, करण जौहर, एवरीवन कमिंग टुगेदर, इट हैज टू बी। कास्टिंग तो एकदम परफेक्ट है, लाइक अक्षय एंड करीना दे हैव अ वेरी नाइस, दे आर कॉमेडियंस एंड आई नो दे डू वेरी परफेक्ट। पर वो दिलजीत दोसांझ को जो दिया था वो बहुत ही प्यारा था और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जब बच्चा होता है तो, और दिलजीत दोसांझ को बहुत छोटे से रूप में बताया, दैट वॉज वेरी फनी। अक्षय और करीना आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद वापस आए, सो वो पर्दे पे ही देखने के बाद लोग खड़े रहेंगे कि यार क्या गुड न्यूज़ होगी अंदर, चलो तो देखते हैं। So it was really nice and especially I liked the Akshay and Kareena's pair. They were really a good pair. Thank you. The star cast is so good and ab tak ka jo bhi dekha bahut hi maza aaya, bahut maza aaya. The last one when the baby is born to Kareena and it is the face of Dosanjh, it was really amazing. 100% like Christmas ka time hai, it's a festive season, logo ko chuttiyan hoti hai Christmas ki, to picture zarur dekhenge. Aur jaise ki maine kaha ki good news, aap ट्रेलर देखोगे ना आपको मन करेगा कि यार ये फिल्म देखनी है, मतलब हमारे एक बकेट लिस्ट में होता है ना यार ये फिल्म देखनी है, तो डेफिनेटली ये ट्रेलर देखने के बाद आप बोल ही लोगे कि ये फिल्म मुझे देखनी है। बॉबी साहब माइक नहीं, एक मिनट माइक लाया नहीं माइक लाए हैं, कहाँ है? तो सेयो लाइन। और क्या क्या छुपा रखा है मोरी में? आई शपथ तुम्हाला मजा येणार आहे यावेळेस। पर बांगडू महाराज, आई रियली वॉन्ट टू नो क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में, और क्या क्या छुपा रखा है उस तहखाने में? कभी आओ हमारे हवेली। हाउसफुल 4 इज अ क्रेजी फिल्म विद, जैसे आप हमारी आउटफिट्स देख रहे हैं आप समझ ही गए होंगे, इतनी गर्मी में घूम रहे हैं इस वक्त तो, लेकिन शूटिंग के दौरान भी जो गर्मी थी आपको पता नहीं। एनीवे थैंक यू सो मच, और मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे बांगरू महाराज जी को जिन्होंने मुझे अपना माइक दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मेरा नाम चिल्लाते थके नहीं, और मैं चाहता हूँ कि आप अक्षय का भी नाम चिल्लाएं, उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब से आए हैं आप सिर्फ मेरा नाम चिल्ला रहे, बॉबी का नाम चिल्ला रहे, बट I love Akshay Kumar spearheading this franchise and please ek bar ho jaye Akshay. Thank you very much. Lekin Houseful ek bahut hi important journey hai mere liye, mere career ki sabse badi journey rahi hai, aur pichle 12-15 saalon se I am so grateful to have worked with Sajid bhai and my dearest friend Akshay, and now इट्स दे आर लाइक फैमिली टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनके ऑफिस जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं घर पर आया हूँ। सो थैंक यू सो मच साजिद भाई फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी। आई वॉन्ट टू थैंक अक्षय राइट फ्रॉम हे बीबी टू हाउसफुल 1, 2, 3 एंड नाउ 4, इट्स बीन ग्रेट। बॉबी आई बीन वर्किंग विथ हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस इज माई 3rd फिल्म एंड द वंडरफुल एंड माई ब्यूटिफुल को स्टार्स ऑल 3 ऑफ देम, इट्स बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विद देम फॉर द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद देम, सो इट्स बीन ग्रेट। एसोसिएटिंग फॉक्स इज ऑलवेज बीन फन एंड थैंक यू सो मच। ऑल राइट, अब मैं चाहूंगा बात की जाए अक्षय सर से। हेलो, नमस्ते। सबसे पहले आप सभी का, पीछे जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने
इतने दूर दूर जगह से आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और साथ में आप लोगों को बताऊं कि ये लाइव जा रहा है, दुबई से कई लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, मेलबर्न, मेलबर्न गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, फॉर सपोर्टिंग आवर मूवी। एंड वेयर इज, और कहाँ है, लंदन भी तो था ना, लंदन कहाँ गया, लंदन, हेलो लंदन, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब, जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए। इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे। पाठशाला? अच्छा, जब तक स्कूल ना बोलूं तब तक समझ नहीं आएगा। अच्छा, 600 साल पहले देखो, और ये स्कूल बैग नहीं, दफ्तर लेके जाते। बिल्कुल, तो हम, मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे। हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन, मतलब बस पकड़ते थे। और आज देखो हमारी जर्नी कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी, 12-15, क्या बात कर रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है, इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है, मेरे घर वालों की, मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है, सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे। तो चलिए, ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब, और साथ में रितेश देशमुख, जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं, इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूँ मैं, इनके साथ बैठ के बातें करता हूँ, बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं। फिर साथ में बॉबी साहब हैं, इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ, दोस्ती, मनीष, ओए अभी, और वतन, अब हम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। और थैंक यू, नहीं इसका मेरे मतलब, साथ जो है दो कृति, मैंने आज नाम सही बोला है, नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ, कीर्ति बोल देता हूँ, लेकिन आज सही और बोला है। और दूसरी पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा था, तो वहाँ पे कृति निकल रहा। ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूजा, एक ही पूजा। और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ, उसके बाद फोर्थ पे आए, वो एक ऐसे इंसान है। आ जाओ, फोन पे मत रह, क्या नाम है इसका, आखिरी पास्ता, इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है। ये हमारी, यानी कि ये समझ लीजिए प्लेट में सॉस रख लो, अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या। ये हमारी, ये वही चीज अन्नपूर्णा है, ये वही चीज है, बहुत ही दिलचस्प इंसान है, इनके अंदर इतना चुटकुला भरा हुआ है भर भर के। अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे। मम्मा मिया, इज जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग, थैंक यू। तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई, अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया, याद रखना। ओके, कि मुझे अबे 4-4 टाइम बर्दाश्त कर रहे इस पिक्चर में, और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है, एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता। और बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, बॉबी, अक्षय, रितेश, एंड थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू फराद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी, और डबल धमाल होने वाला है इसमें, थैंक यू जी। वास्को डी गामा मेरा मामा, बैठ जा। अब कोई जगह दो यार इसको, टैप लो। आर यू सीरियस? नहीं, मैडम, यू डोंट गेट अप, मैडम इतनी इज्जत नहीं उसको। ओके, अब आपसे, आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा, ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा, इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है, जिस हिसाब से, मतलब
ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं, जो कैमरामैन साहब है हमारे, मैं इनको बुलाना चाहूंगा। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले पूछ लेता हूँ, फिर शक्ल तो दिखा दो। सुदीप दादा, कौन सी फिल्में की हैं आपने, पहले बताइए सबको। जाने मन मेरी नहीं, बाकी और भी पद्मावत, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी। अरे कोई नहीं मारेगा, बोलो। This was great fun. I hope you guys enjoy it. और कोई? अरे मेरी मेरी, मेरी मेरी बेबी बेबी वाली जो फिल्म थी बेबी, वो भूल गए, वो भी इन्होंने किया है। मेरे लिए ये बहुत ही लकी कैमरामैन है ये। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम, मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है। ये इनका काम है, भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका। थैंक यू सुदीप दा, और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे। थैंक यू साजिद भाई। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं, अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं। डायरेक्टर साहब फराज साम जी, फराज जी कुछ कहेंगे आप? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर। हाउसफुल 4 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते हैं उतना प्रेशर, इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी, हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को, आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके। हम लोग ने मेहनत की है, हिम्मत की है, कोशिश की है, जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखें और सर आए, दैट्स इट। और अगर आप अपना नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है। नहीं, एक्चुअली वो टेंशन में थे इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे, तो टोपी पे लिख लिया। आओ इधर आओ फरहाद, अब हो गया। ओके, अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब को बुलाएं, इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ, ये वैसे आपको बता दूं बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ दो शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है। तो साजिद साहब आइए। कहाँ से शुरू करूँ? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से। 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे। मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे। आप बताइए, जब मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये सातवीं में था, लेकिन जब मैं दसवीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था। बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था। तो हम लोगों ने एक ही बस में ट्रैवल किया, 255 में, और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था टिकट। फिर उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में, अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे, इससे ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और हमारे पास सेम गाड़ियाँ भी हैं, सेम गाड़ियाँ। सो और ये बताएं कि ये इत्तफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ, ये कसम से बाय गॉड इत्तफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तफाकी बात है काफ़ी मेलजोल रहा एक दूसरे के साथ। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट प्रोड्यूसर फॉर मी एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द गर्ल्स, ऑल द गाइज। इज वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक, एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, बट टू गेट ऑल एंड टेक ऑल द एक्टर्स ईगो, इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट होता है। कौन सा ईगो? किसकी ईगो? टू सेटल देम, टू पैसिफाई देम, इट्स नॉट ईजी। आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का एटीट्यूड क्या होता है। तो बट थैंक गॉड वी हैव डन अ ग्रेट प्रोडक्ट। आई एंजॉय मेकिंग, वी ग्रोन अप ऑन राजकुमार कोहली काइंड ऑफ फिल्म्स, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 एक्टर्स होते थे। सो वी हैव एंजॉयिंग दिस एंड आई होप यू ऑल एंजॉय दिस फिल्म एंड वी आर सक्सेसफुल अगेन। थैंक यू। एंड नाउ, जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, द स्टूडियो, द फॉक्स, धनवान, जिन्होंने की कोई परेशानी नहीं की थी हमें। विजय साहब, आप कुछ शब्द कहें हिंदी में।
हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं. आई रियली वॉन्ट थैंक ऑल द मीडिया एंड ऑल द फैंस एंड इन पर्टिकुलर वी गॉट लॉट्स ऑफ सपोर्टर्स इन मेलबर्न दुबई एंड लंडन हु ऑल सॉर्ट ऑफ पुट दैट एवरीथिंग असाइड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस. लेट मी टेल यू एट फॉक्स वी आर रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद हाउसफुल 4. It is a mad comedy. It is the Diwali film. And as Fox, we've had some of our most successful films with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chachore. So thank you very much once again and really, really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. And now, before the media starts asking questions, एक ऐसे इंसान मतलब हम सब चाहेंगे कि सबका लक जो है उनकी तरह रहे और उनकी वजह से मतलब चले गए तो मैं क्यों बुला रहा हूँ तू वैसे समझ लक भी रहेगा कहाँ है चले गए चलो छोड़ो. हाय अक्षय देसाई. हाय आई एम अंकिता फ्रॉम पीपिंग मून. आई हैव अ क्वेश्चन. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Okay, what changes for? Sorry, I didn't get the question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Well, there have been a lot of changes. Kafi changes aaye hain. Okay, Zenobia, what are you doing? Can you just relax? Okay. So there has been a lot of changes. अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फिल्म बनाई मिशन मंगल एंड जब फिल्म शुरू की थी हमने इन एवरी अदर कंपनी व्हाट आई नो इवन इन साजिद नडियाडवाला'स कंपनी एंड इन एवरी प्रोडक्शन नाउडेज देर इज़ अ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफिसर्स दे ऑल देयर एंड दे मेक श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग. They are there to take the complaints. They know everything what is happening. So there has been a lot of security done, and we don't want any kind of misbehaving happening or any kind of thing. So ऐसे कई सारी चीजें हैं जो की हुई हैं इस वक्त फिलहाल. Yeah. So one more thing. Sajid Khan has reportedly directed 60% of Houseful 4. Why isn't he sharing any credit with Farhad Samji? Well, you're right. 60% he has directed it. But I'll tell you another thing also, that this call is a studio call, and that is how it is going to happen now. Let me say that they have to take the call, what is going to happen and what not going to happen. Akshay sir, your center, Rahul here from the Filmi Charcha. सबसे पहले तो मिशन मंगल के लिए सर बहुत बहुत सक्सेस के लिए बधाई सर. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के रन मशीन माने जाते हैं विराट कोहली, ऐसे आप बॉलीवुड के आप सर बॉक्स ऑफिस मशीन बन चुके हैं सर. हर इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है कि आपको पता होता है कि ये फिल्म 100 करोड़ पार जाएगी आप वही फिल्म हाँ बोलते, सीक्रेट क्या है इसके पीछे सर? मैं ज़्यादा करके आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात में हाँ पे हाँ डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70% लक होता है. सो 30% हार्डवर्क होता है. मैं उस सोच विचार का इंसान हूँ, तो 70% मैं मानता हूँ लक की वजह से, तो मैं यही समझता हूँ. सर ये 4th सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है. चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर, डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, को एक्टर्स बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर अक्षय कुमार रितेश देशमुख और वो मेन सर चंकी चंकी जी 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 2 पिलर नहीं है. नहीं पिलर ही है सर. वो क्या फर्नीचर है. तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने को एक्टर्स को कितना मिस करते हैं आप सर, अक्षय कुमार और रितेश सर? वो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो ये कह सकता हूँ नाडिया में बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स. तीसरा सवाल कीर्ति, दोनों कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंकस्टर के लिए अच्छे जाने जाते हैं, हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? आई थिंक थैंक्स टू हिम हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट.
आपको याद नहीं है? Of course it was. वो गेम खेलते हैं कि लाइक ही विल ब्लाइंडफोल्ड अस और फिर हमें ऐसा मत कहो, बाकी पूरा कुछ फिल्म के बारे आए ना आए ये जरूर आएगा कि लेट्स गेट दिस स्ट्रेट. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों बातों में बोला तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा. एंड दैट्स हाउ द प्रैंक स्टार्टेड एंड इट वाज ऑल डन इन ग्रेट स्पिरिट, सो लेट्स मेक दैट वेरी क्लियर. बट या ही इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल वी वर्कड विद एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी फनी, वेरी वेरी. ओके, एक जान शुरू करें मतलब आगे बढ़ने से पहले एक एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे भगवान का वास्ता है, तीन तीन लेके आया, वो तीन लाता है, वो तीन लाता है. ओके अक्षय पाजी, अक्षय पाजी हियर ऑन द लेफ्ट, अक्षय पाजी हियर ऑन द लेफ्ट, यहां पे, यहां पे. हां जी, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस टू द टीम. विद इन 9 इयर्स दिस इज द फोर्थ फिल्म. सो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर है, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे वो साजिद खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने हेल्प की थी, बट इन फ्यूचर विल यू वर्क विद हिम अगेन? Well, देखिए इफ ही इज सब कुछ ठीक रहा, इफ ही इज एक्वेटेड विद एवरीथिंग, आई मीन से विच आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड एग्जैक्टली, एंड इफ ही इज आफ्टर दैट श्योरली आई विल. रितेश जी आपके ठीक सामने, हाय. हाँ सर. यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो, और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. वाह बांगड़ू महाराज, वाह. शायद पुनर्जन्म जी, शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूँगा. यू नो डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियाँ आपके सामने रहती तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है, एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है. All thanks to the writing and the director that has helped me do this. But what I said was in good spirit, so if it hurts you, I'm damn sorry. No, it's okay. But I have to say that jitna nazakat aur ada Ritesh mein hai, hum tino mein nazakat bhi nahi hai. Like mujhe, I'll have to come to take classes from Bangdu Maharaj. Acha, ek aakhri sawal. एक आखिरी सवाल, आप तीनों महारानियों से हैं, यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल फोर, सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल फोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे? लाइक तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है. वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक टू वर्किंग विद साजिद नाडरवाला सर हु इज लॉन्च्ड मी. I think this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. Pooja ji? Yeah, I don't think mujhe kabhi laga tha ki main Houseful karne wali hu because like she said, I never thought I would be an actor. But I think jo aapne 1, 2, or 3 Houseful dekha hai, ye bahut hi alag hai. Even simple things jaise ki hum rajkumariyan बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस, यू नो, तो हम एक्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट्स सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ इन वन फिल्म, सो इट्स गोना बी यूनिक. आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी? हाउसफुल इज प्रॉबली माई मोस्ट फेवरेट कॉमेडी फ्रेंचाइज फिल्म. आई कॉन्ट बिलीव समटाइम्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. जब पहला पोस्टर आया था फॉर मी इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड. मैंने मॉम को सबसे पहले व्हाट्सएप पे भेजा बिफोर आई पोस्टेड इट ऑनलाइन सेइंग माय आई कांट बिलीव आई एम इन हाउसफुल. इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ऑल आईड लाइक टू से इज ऑफकोर्स एवरी मूवी इज स्पेशल बट हाउसफुल डेफिनेटली इट टिक्स समथिंग ऑफ माई बकेट लिस्ट एंड आई फाइंड इट अ मैटर ऑफ ग्रेट डील टू हैव वर्क्ड विद सच लवली पीपल. एंड पीरियड ड्रामा भी कर लिया,
हाउसफुल भी कर ली, टू इन वन हो गया हमारा तो. अक्षय जी, अक्षय जी, एक आपके ठीक सामने इनकी लिस्ट एक एक आखिरी सवाल मेरा आपसे. यू नो, आपने कई बार बताया है कि जिससे आपने एक्टिंग सीखी है, जो आपके गुरु हैं, वो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी. हाल ही में उन्हें जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उनका नाम आया है. तो अगर आप अपने कुछ ब्यूटीफुल अल्फाज उनके लिए कुछ अगर आप कह सकें. रितेश जी, आपसे भी. बॉबी जी प्लीज़. मैं उनको फ़ोन करके कह दूँ हमारे लिए वीडियो बाइट. वीडियो बाइट कर लूँगा बेटा, कर लूँगा मैं. Hello, Akshay sir, this is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question. Sir, hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की कॉमेडी जनर थोड़ा आजकल कम आ रही है और कॉमेडी फिल्में थोड़ी कम बन रही है, ऐसे में एक यूनिक कंसेप्ट लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना डिफिकल्ट रहता है एज एन एक्टर के लिए, दो अलग अलग रोल करना और मेकर्स के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना, एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए, बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग. या सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा. दूसरी बात है, एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना, जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं, हमारे साथ साजिद नडियाडवाला है, इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं. और मुश्किल बहुत रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना, वो बहुत ही मुश्किल रहता है. लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता, बहुत आसानी से निकल जाती है. ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी, उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को, जैसे आप जानते हो, क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो. और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन 60 या 70 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर दी इसको. आपका माइक बंद है. Okay, just one thing. After this question, we'll be shifting to the international media also. Just a few questions to them, and we'll be coming back to us. And Manish, Anji sir. After this, इनके साथ फिर I would request हमें से that 2-3 questions to for the people behind, if they can, they want to ask also. Absolutely, absolutely. I think they'll be more than happy. They'll be more than happy. Saji sir, this side. So in the last 3-4 months you have delivered 2 blockbuster films, Chichore and Super 30, and now this looks another blockbuster film. So how do you do this and how excited are you for the film? Same what Akshay said, it's all luck, right time, right place, right mind. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ % of luck, मेरे लिए at least. अक्षय जी here. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि नहीं, पिछला वाला भूल जाऊंगा मैडम, पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊंगा, फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें, ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में, तो फर्क नहीं पड़ेगा जी. और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं, नहीं, नहीं. क्या फायदा, घर जाएंगे खेल हंसते खेलते, क्या फायदा? क्या बात है, बहुत बढ़िया. वेल सर अक्षय सर, एंड विद दैट आई थिंक विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं.
We'll be talking to the media sitting in Australia, Melbourne. You do it after this. After this, you do it. Ma'am, Melbourne वाले कह रहे हैं हमने भी मतलब वीजा लगवा के आ जाते जल्दी पहुंच जाते बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं वो भी उनको भी पूछ लेते हैं. All right. So hi to the people in Melbourne. And यहाँ से question आया है एक AJ India journalist Tony Sethi and Indira Leswam. इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है. Akshay Kumar, what are the similarities between a present day Baba and a king of a bygone era? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? हाँ, कि आप वहाँ पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में ये जानना चाहती हैं. हाँ जी सर, एक क्या सवाल है सर, एक राजकुमार एक एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान है. बस यही है, यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे जो दूसरे में काट रहा था सबके और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था उनको गंजा कर रहा था, खुद पिछले जन्म में गंजा. बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है. और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने तो ये खुद परेशान रहता था. सो इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग बट इट इज़ लविंग. आई मीन सेड एक ये बताऊं कि इट इज़ गोइंग टू बी अ फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फिल्म वेयर री इनकारनेशन को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. और क्या, हाँ बिल्कुल सही कहा. और अब सवाल है कृति आपसे, कृति सनन आपसे. वेल ये पूछा गया है, व्हाट वर द हाइलाइट्स इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म? ओह माय गॉड, आई थिंक द होल मेकिंग ऑफ द फिल्म वाज अ हाइलाइट. आई थिंक एवरीथिंग दैट ऑल द फन दैट वीव हैड ईच एंड एवरी स्केड्यूल, वेदर इट वॉज द लंडन स्केड्यूल जहाँ से हमने शुरुआत की थी और जैसलमेर का जो एक स्केड्यूल था वो बहुत ही मज़ेदार था. एंड द बेस्ट थिंग वॉज दैट इट वॉज देर वर सो मेनी पीपल ऑल टुगेदर ईटिंग टुगेदर हैविंग फन इन बिटवीन द शॉर्ट्स प्लेइंग गेम्स बिकॉज दिस मैन नेवर सिट्स डाउन और गोज बैक टू हिज वैनिटी एंड ही हैज दिस हैबिट ऑफ कीपिंग एवरीबडी वेरी एनर्जेटिक. वी हैड द बेस्ट टाइम एंड एज आई सेड इट वॉज अ हॉलीडे जो हम कभी नहीं चाहते थे कि खत्म हो, पर हो गया. ओके, अगला सवाल है डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर आपके लिए सवाल पूछा गया है, वी हियर द बजट ऑफ हाउसफुल 4 इज मोर देन बाहुबली, इज इट ट्रू? सर ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर. इसको कैसे मालूम है सर? ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो को पूछा जाए बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था द धनवान द फॉक्स, या सो आई थिंक सो दे आर अ बेटर पीपल टू जज. मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ. एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को कैसे हो सकता है यार? अरे वो देखें सर, मेलबर्न जी आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं. ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी तो उसका बजट और इसका बजट ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म. एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से वो बाकी मैंने निचोड़ लिया. यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है. ओके, अगला सवाल रेडियो हांजी से है और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए. फरहाद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन दी री इनकारनेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल? दैट्स व्हाट यू हैव टू सी. या बिकॉज यही तो चैलेंज था और यही तो मज़ा है कि हम वो नहीं देखिए. आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है, वही फार्मूला चलता नहीं है. कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थाट्स चलते हैं. एंड जब ये आइडिया आया था बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2, आई हैव रिटन हाउसफुल 3 एंड 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है, मैं वो मानता हूँ. और यहाँ पे ये अलग भी है, अच्छी भी है एंड आई होप एंड प्रे एवरी वन लव्स द फिल्म. क्या बात है सर, वेल सेड. तो चलिए मेलबर्न, थैंक यू सो मच. वेल आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं. लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर, प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन. माइक भी लगा लो मीडिया से मैडम.
आपको देख के माइक भी बंद हो गया माइक ही बोलती बंद हो गई. दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज. रितेश तहखाना खोल दो. मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं. अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन वेपन सब तेरे पास ही आएगा. या मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है. आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है. तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफ़ें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम? लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या है कि मेरे साथ जो बैठा है मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने ज़िंदगी में इतनी मेहनत की है और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है. और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा. तो मैं बस यही कहता हूँ कि आप सबको यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, पॉजिटिव सोचो फिर काम मिलता रहेगा. और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया. And I'm very grateful for that. But end of the day, it's, as Akshay said, luck really factors. But you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Three cheers for Bobby. Sir. Hi. Yes. Hello. एक बैचलर टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में दो एक्ट्रेसेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन. एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में. तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी? बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज़ किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो, जो हम कह सकते हैं. Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Houseful 4, I fell down because it was so, so funny. Having said that, as an actor, aapko agar 5 scene bhi mile, aur wo scene kamal ke scene ho, to even that's enough. I don't think length is what that matters. Hi, excuse me. Hello. Hi, I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry. And like I said, this is, you know, even it's Houseful, but we are like new age women. We're powerful women in this film. And I think that's the change that, you know, the series has made. And like, I mean, kudos to Nadia sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, kai baar kuch, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it. Sajid sir, here, my question is for you. Just this morning, the trailer of the movie got leaked online, you know. I just want to know what do you want to say about that? Because this is becoming very common these days with films also. So this time the trailer also got leaked. Do you want to say anything about it? I don't know. The PR team is working on it. Aadha ek ghanta pehle, I think so, got portion of it leaked. Eh? We didn't know also about it. You saw it? ट्रेलर आई ऑब्जर्व देर आर स्टार्क सिमिलैरिटीज यू नो इन सम सीन्स विच आर वेरी सिमिलर टू द वन शॉट इन बाहुबली. लाइक वो एक एक्टर का तीर चलाने वाला सीन है, फिर एक राणा, आई थिंक वो गेटअप में राणा ही थे शायद, तो उनका एक सीन है. सो ये एक डेलिबरेट इंस्पिरेशन है या फिर आपने इसको एक्चुअली स्पूफ किया है कि बाहुबली के सीन? नो, देयर इज नो डेलिबरेट इंस्पिरेशन. आप राणा का भी देखो तो गेटअप वो है ही नहीं. जो आप राणा का गेटअप जो अगर देखोगे, ही इज प्लेइंग गामा कैरेक्टर, तो उसका जो गेटअप है, जो लुक है, एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद बाहुबलीज लुक राणा का, इट्स टोटली डिफरेंट. और वो उसमें लड़की का आई थिंक सो 3 तीर थे, इसमें 4 है.
हमने बढ़ा दिए और उस टाइम पे हथियार तो सेम होते थे तो 600 हाँ वही 600 साल पहले अभी गन तो चला नहीं सकते तीर चलाएंगे हम लोग हमने तो बोला था बट नहीं और इंटरेस्टिंग क्या तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था तो आई थिंक काफी डिफरेंस है 33 डिग्री नो इट्स अ सक्सेसफुल फिल्म वन कैन टेक यू नो इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट्स नॉट प्रॉब्लम जाहिर सी बात है लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जांपल सेट कर दिया है चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का लेकिन कहीं ना कहीं एग्जांपल सेट कर दिया सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट वी डोंट हैव इट इन माइंड बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन तो हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज हम भी जब फिल्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं तो इट्स गुड फॉर अस ऑल्सो Bilkul, yeah, with that, we'll be getting back to the media here. We have a few of the people sitting yes, in London. Yes, hi. Excuse me. Hi. Yes, hi. How are you? I have a question for Akshay. You have a question, ma'am? We'll have to wait. Thank okay, you so sure, much. I love sure. you too. You're very sweet. Yeah. Thanks, yeah. Hi. Amazing, yeah. Because the people in London have been waiting and they've been saying that. Let's ask a question over to the media in London. And yahan pe question hai Akshay sir ke liye. Well, sir, Lycra Radio jo hai, इन्होंने पूछा the experience of shooting in London. How was the experience? Any interesting incidents? कोई story आपको याद आती है London में shoot किया? मुझे London में सिर्फ subsidy याद आ रही है. नहीं. Yeah. सर ये कुछ राज खोल रहे थे कुछ बताना चाह रहे थे कुछ कहना सर? लेकिन देखिए लंदन तो मतलब हर साल शूटिंग करने जाते हैं और ये फिल्म बिल्कुल जब भी मतलब काफ़ी मैं चार पांच जो पहले की मेरी फिल्में काफ़ी सीरियस फिल्में कर ली है तो जब भी मुझे वेकेशन लेना होता है तो मैं नाडियाड को बोलता हूँ चल एक हाउसफुल बनाते हैं तो ये कहता है चलो बनाते हैं तो फिर उस हिसाब से और लंदन से बढ़िया जगह कौन सी मतलब बहुत मज़ा आता है वहाँ शूटिंग करने में और वहाँ जाके मतलब जो वेदर होता है और ख़ास कर क्या होता है कि हम जून जुलाई में प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है मुंबई में बारिश बहुत होती है तो उधर बारिश उस वक्त होती नहीं है गर्मी होती है और उधर जाके फिर शूटिंग कर लेते हैं साथ में सब्सिडी भी मिल जाती है क्या तो बात है सोने पे सुहागा वाली बातें रहती हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है वहाँ सर वैसे अभी आपने जो यहाँ जो पॉइंट उठाया यही सवाल दुबई में बैठी मीडिया ने आपसे पूछा आपने भी जो बोला उन्होंने कहा अक्षय यू हैव सीमेंटेड योर पोजीशन एज एन एक्टर हु हैज टेकन अप सोशल कॉजेज इन मूवीज लाइक बैडमैन टॉयलेट एक प्रेम कथा एंड मिशन मंगल हाउसफुल ऑन द अदर हैंड इज एन आउट एंड आउट एंटरटेनर यू नो व्हाट मेड यू गेट बैक टू दिस जॉनर बिकॉज़ आई लाइक दिस जॉनर आई वॉन्ट टू मैं वैसे जवाब दे चुका हूँ कि आई वॉन्टेड टू टेक अ हॉलीडे आई वॉन्टेड टू आस्क मतलब जस्ट टू मतलब यू नो दिमाग को खोलना भी पड़ता है कि एकदम बेफिक्र होके एक कैरेक्टर के अंदर घुस जाओ और जैसा स्क्रिप्ट लिखा है उससे भी आगे बढ़ जाओ मतलब कई बार होता है कि मैंने देखा है कि डायरेक्टर बोलता है कट आई वांट यू टू हैम मोर थोड़ा और हैम करो और जोर से करो सो यू जस्ट गो क्रेजी अबाउट इट एंड इट इज़ अ स्लैपस्टिक कॉमेडी आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस नोटिस दैट कि जो स्लैपस्टिक कॉमेडी होती है हमारे यहाँ ज़्यादा उसकी कदर नहीं की जाती है लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर टू प्ले ऑन स्क्रीन एंड आप तो मनीष जानते हैं आप इतनी कॉमेडी होस्टिंग करते हैं इतनी कॉमेडी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ एंड अगर आपका पंच लाइन कितना भी अच्छा लिखा हो अगर आप सही तरीके से बोले ना तो वो मुंह के बल आके गिरता है बिल्कुल एंड ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है इनको मैं चाहूंगा पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैं बताऊंगा क्यों ये तालियां इसलिए हैं बिकॉज बहुत रेयर है बॉलीवुड में कि फ्रेंचाइज जो है वो चौथे तक पहुंच गई है सो आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल तो आई थिंक वो ऐसी क्या बात थी कि आपको लगा कि हाँ यार इसकी जो सक्सेस है बिल्कुल ये बढ़ती जाएगी और चौथी भी बना दी गई हाउसफुल 4 ये दुबई में मीडिया ने आपसे पूछा है सर 200 करोड़ छोटा ही सोचना 400 सोच के बैठे हम कमाल कर चौथी क्यों बनी तो इसका जवाब तू देना एक तो एक अक्षय को हॉलीडे चाहिए था दूसरी थर्ड बहुत बड़ी हिट थी ये फ्रेंचाइज अपने आप बनती नहीं है ये बनाते हैं ऑडियंस क्या बात है एवरी फ्रेंचाइज इंक्रीजेस इज डिसाइडेड बाय द ऑडियंस एंड आई थिंक
We pray ki you all like the fourth one, so we go for the fifth. और ये बात तय है कि ये सबसे एक्सपेंसिव हॉलिडे है. वेल ओके, एनीबडी हियर विद अ क्वेश्चन नाउ? पीछे पीछे, सर ने बोला है पीछे से कौन सवाल पूछना चाहेगा? पीछे दो या दो सवाल पूछ लो भैया, कोई पीछे माइक दे दो, पीछे से सवाल पूछें. किधर बेटा माइक भी ले लो. जी चले गए, किधर गए? भूषण खिलाड़ी. माइक नहीं चल रहा, कोई तुम्हारे फेफड़े बड़े हैं वैसे जोर से बोल दो. हेलो, अच्छा सर नहीं है. हेलो, हाँ हेलो, सुन ली, क्वेश्चन पूछो. हेलो अक्षय सर, आई एम फ्रॉम कुर्टुवाड़ी, सोलापुर से पास का छोटा सा गांव है, वहाँ पर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मूवी सेलिब्रेट करते हैं. मराठी सर, मराठी सर, आपला सोलापुर है, सोलापुर. हेलो सर, हेलो सर, आपला सोलापुर गांव है, माझ्यासोबत आपचे सोलापूरचे पण ग्रुपचे आहेत, सुरेश जगलेकर. हॅलो सुरेश, सुरेश कुठे? आणि सर मी कुर्टुवाडी होणार, तुम्हाला भेटलो होतो मागा 21 तारखेला भेटलो होतो आपण सगळेजण, तेव्हा तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ डिफेन्सचं पण आम्ही केलं होतं वाढदिवसाला. आणि आत्ता सुरेश जे आहेत सोलापूरचे, त्यांनी पण ब्लड डोनेशन केलं होतं, 101 ब्लड डोनेशन केलं होतं. सर एक रिक्वेस्ट आहे सर, प्लीज एकदा गळाभेटी करून घ्या प्लीज. काय झालं माझी गळाभेट असतो मला सर, प्लीज. हो थांब, आता करूया ते, नक्की करूया. पण मी मी सगळ्या मीडियाला हे सांगायला पाहिजे मला, आय जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट माय फॅन्स, माय पीपल देअर हु देअर. आय मस्ट टेल यू, नो नो, अँड इट इज नॉट, इट इज जस्ट नॉट बिकॉज दे आर देअर. आय मस्ट टेल यू की मेरा बर्थडे हो या कोई भी फिल्म हो, कभी भी हो, ये इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, ब्लड डोनेशन कैम्प करते हैं, दे पुट सो मेनी ट्रीज, दे डू सेल्फ डिफेंस कैम्प करते हैं. And so many things which I keep on looking at, and I'm very, very thankful to you guys. Sir, thank you very much. Me ye to ghabro nako. Jaiye, ye. Lokar ye dhavat ye. Ani bag, camera khali nako karu. Akshay sir. Lokar. Akshay sir. Haan sir, ajun last question. Sir, Akshay sir. Last question. Ye. Sir, Akshay sir. Haan lokar ye. Ek minute sir. Chala, aata last. Arre, hale. सर अक्षय सर, चल चल सर, थैंक यू वेरी मच. ओके थैंक यू अक्षय सर. आखिरी एक आखिरी सवाल अक्षय सर. हाँ बोलिए. मैं अकोलावरून आलेलो, अकोला केन्स तर्फे, आणि अक्षय कुमार सर हे भारतरत्न आहेत, आणि भारतरत्न त्यांना भेटणार. आणि मी असं समजतो की अक्षय कुमार जे सोशल वर्क करतात तर बाकीचे इंडस्ट्रीवाले का करत नाही? अक्षय कुमार जे डोनेट करतात, जे दानशूर आहेत, भारतरत्न आहे, त्यांना बाकी हिरो लोक, बाकी अभिनेता लोक हे बघा करतील. हे बघा, ते असं काही नाहीये. नाही सर, सगळं करतात. तुम्ही भारतरत्न आहे सर, मला माहिती आहे की मी इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणून मी आपल्याला सांगतो. सांगा हे सगळं काय करतात सगळं, चाहे हो सलमान हो. नाही सलमान खान तुमच्याबद्दल ऐकलं सर, बाकी कोणाबद्दल आम्ही ऐकलं नाही, वाचलं नाही. मी सांगतो ना भाऊ, सांगा. माझा इंटरव्ह्यू आहे. सांगा सर, मला सांगायला पाहिजे. तू मला प्रश्न विचारला, मी तुला उत्तर देतो भाऊ. मला सगळं माहिती आहे, मला माहीत असतं कोण कुठे जातो, काय करतो. इंडस्ट्रीमध्ये एवढीशी इंडस्ट्री आहे भाऊ, बरं का? आणि असं काही नाही, आमची इंडस्ट्री कुछ भी हिंदुस्तान में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी ऑल वर्क ऑन इट. एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन.